सबसे पहली बात, प्रोनाउन को अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं होता। प्रोनाउन इज नॉट कि भाई पक्का आएगा पेपर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आता रहता है ये कह सकती हूं, मतलब 50-60% पॉसिबिलिटी है कि आता रहता है। इसमें भी नाउन है, नाउन यानी किसी भी चीज का नाम, और प्रो का मतलब होता है बेटा एट द प्लेस ऑफ। मुश्किल भाषा में इन्हें इन लियू ऑफ कहते हैं, एट द प्लेस ऑफ या इन लियू ऑफ एक ही बात है। एट द प्लेस ऑफ या इन लियू ऑफ हिंदी में कहते हैं के स्थान पर, और नाउन का मतलब हो गया नाम। तो बेसिकली ऐसे शब्द जिन्हें नाम की जगह पे यूज किया जाता है वो प्रोनाउन होते हैं। इन्हें नाम की जगह पे इसलिए यूज करते हैं ताकि नाउन को रिपीट ना करना पड़े। तो नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए इंग्लिश में किन का यूज होता है? प्रोनाउन का। जहां जहां भी हम नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करना चाहते हैं, हर उस जगह पे इंग्लिश किसका यूज करेगी? प्रोनाउन का। आपका एग्जामिनर प्रोनाउन को पूछता है लगभग 12 तरीके से, यानी प्रोनाउन की 12 टाइप हैं जो आपने पढ़नी होती हैं। सबसे पहला हो गया पर्सनल, दूसरी टाइप जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो इंटरोगेटिव, तीसरी टाइप जो प्रोनाउन में होगी बेटा वो रिलेटिव, चौथी टाइप जो हम सीखेंगे वो रेसिप्रोकल। पर्सनल, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल के अलावा इनडेफिनेट, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इसके अलावा बेटा पोजेसिव, एक्सक्लेमेटरी, कंपाउंड इंटरोगेटिव, कंपाउंड इंटरोगेटिव। ये वो सारी टाइप्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। 12 होगी होंगी बेटा, हम एरो लगा देते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, अब आप एरो गिनोगे तो ये 12 एरो हैं आपके। सबसे पहले, सबसे छोटी, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस करती हूं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का सही मतलब होता है उल्टा, और इंग्लिश में ये दो शब्द होते हैं जिनके मीनिंग आपस में उल्टे होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। इन दो के अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे इंग्लिश ने रेसिप्रोकल मान रखा हो। इन दो के अलावा कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसे इंग्लिश ने क्या मान रखा है? रेसिप्रोकल। तो अगर पेपर में रेसिप्रोकल प्रोनाउन आएगा तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि या तो सेंटेंस में ईच अदर दिखेगा या सेंटेंस में वन अनदर दिखेगा। अब बात यह है कि एरर कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो। ईच अदर सिर्फ वहां लगता है बेटा जहां बात दो की हो, और वन अनदर वहां लगता है जहां बात दो से ज्यादा की। तो जब जब आपका एग्जामिनर दो लोगों की बात करेगा ईच अदर लगाना है, जब जब आपका एग्जामिनर दो से ज्यादा लोगों की बात करेगा वन अनदर लगाना है। ईच अदर फॉर टू, वन अनदर फॉर मोर देन टू। जैसे मैंने कहा सोनू एंड मोनिका आर टॉकिंग टू वन अनदर, सोनू एंड मोनिका आर टॉकिंग टू वन अनदर, बताओ क्या गलती है? सोनू और मोनिका दो ही लोग हैं और दो के लिए वन अनदर नहीं, क्या आता है? ईच अदर। बस इतनी सी बात है, बोलो रेसिप्रोकल समझ आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, बंटवारा करना, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसमें 7 शब्द आते हैं, जैसे ईच शब्द बंटवारे के लिए आता है इंग्लिश में,
नन शब्द बंटवारे के लिए आता है, एनी भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता है, ऑल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता है, बोथ डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता है, बोथ के अलावा इधर नीदर शब्द भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देते हैं। ओके ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सारे वर्ड्स जो आपके सामने हैं ये क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ईच हमें हर उस जगह पे यूज करना होता है जहां या तो बात दो लोगों की या दो से ज्यादा की, नन सिर्फ दो से ज्यादा के लिए, एनी सिर्फ दो से ज्यादा के लिए, ऑल सिर्फ दो से ज्यादा, बाकी ये सारे शब्द किन्हीं दो के लिए, बाकी ये सारे शब्द किन्हीं दो के लिए, कि बोथ भी दो के लिए, इधर भी दो के लिए और नीदर भी दो के लिए, ये कहीं भी दो से ज्यादा के लिए। कैसे एरर कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जामिनर ने लिख दिया इधर ऑफ द थ्री गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, इधर ऑफ द थ्री गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। तो अब हमारे बच्चे को एग्जाम में ये पता होना चाहिए भाई बात वो कर रहा है तीन लड़कियों की, जबकि इधर शब्द तो दिखाता सिर्फ दो को है, यानी कोई ऐसा शब्द आना चाहिए जो दो से ज्यादा को दिखाए। अब दो से ज्यादा को तो ईच भी दिखा रहा है पर वर्ब सिंगुलर लेता है, हमारे सेंटेंस में प्लूरल है। नन भी दो से ज्यादा को दिखा रहा है पर वर्ब सिंगुलर लेता है, हमारे सेंटेंस में प्लूरल है। एनी दो से ज्यादा को दिखाता है और वर्ब सिंगुलर लेता है और हमारे सेंटेंस में तो प्लूरल है। ऑल दो से ज्यादा को भी दिखाता है और वर्ब भी प्लूरल लगाता है, ये तीनों भी वर्ब सिंगुलर लेते हैं, सिर्फ इनमें से ऑल ऐसा नहीं, बोथ भी प्लूरल लेता है, बोथ के साथ वर्ब प्लूरल, क्योंकि दोनों की बात करता है ना, इधर नीदर वर्ब सिंगुलर लेते हैं। बेटा सेंस को समझो, सेंस क्या कह रही है? ईच बहुतों में से एक, तो दिखा तो बहुतों को रहा है ना पर बात एक ही कर रहा है इसलिए वर्ब सिंगुलर। नन कईयों में से एक भी नहीं, एक भी नहीं इसलिए सिंगुलर हो गया। एनी कईयों में से कोई एक, तो दिखाता कईयों को है पर बात एक की करता है इसलिए वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ऑल दिखाता भी कईयों को है और बात भी कईयों की करता है इसलिए दो से ज्यादा के लिए और प्लूरल के लिए लग रहा है। आइदर का मतलब दो में से कोई एक, नीदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं और बोथ का मतलब दोनों, तो इस हिसाब से वर्ब लग रही हैं। अब यहां सारी मतलब तीन लड़कियां हैं तो इधर की जगह क्या लगा सकते हैं फिलहाल? ऑल, देखो हाँ आंसर सही दे रहे हो। शायद बेटा नहीं लगा पाऊंगी ईच, क्योंकि आर लिखा है और ईच को वर्ब सिंगुलर चाहिए होती है, ईच जहां भी लगाओगे उसको वर्ब चाहिए सिंगुलर। बताओ फटाफट, क्लैरिटी आई हो तो डालो थम्स अप। वैसे एक बात बताती हूँ मैं आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव के ना ब्लैंक ज्यादा आते हैं, एरर कम आते हैं, ब्लैंक ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैंक में वो ऑप्शन ऐसे सेट कर सकता है कि आपको एक चुन सको, नहीं तो ज्यादातर दो 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 एक जैसों को दिखा रहे। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, किसी की तरफ इशारा करते हुए उसके बारे में कुछ कहना, पॉइंटिंग आउट समथिंग समबडी समवन, डेमोन्स्ट्रेटिव से दिखाते हैं। और पॉइंट आउट करने के लिए इंग्लिश में चार शब्द आते हैं, दिस दैट दीज और दोस। इन चार के अलावा कुछ किताबें सच और सेम भी लिख देती हैं, पर सच और सेम ना एडजेक्टिव के तौर पे ज्यादा आते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन, तो इसलिए मैं उन्हें प्रोनाउन में नहीं लिखती हूँ, एडजेक्टिव्स में फिर भी मैं लिख देती हूँ। तो आपको ये चार शब्द याद रखने हैं और किसी भी लाइन में दिखे तो आप समझ जाओ कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव के ये दिस दैट दीज दोज हमारे एग्जाम्पल हो गए, यानी पहचानने का तरीका हो गया। अब बात ये आती है क्वेश्चन कैसे आएगा और नंबर कटने से बचाना कैसे है। तो क्वेश्चन बनता है कॉन्सेप्ट पे और कॉन्सेप्ट कहता है दिस सिंगुलर को दिखा सकता है और उस चीज को जो आपके पास है, दैट सिंगुलर को दिखा सकता है पर आपसे दूर होनी चाहिए वो चीज, दीज प्लूरल को दिखाता है पर चीज पास होनी चाहिए, दोज प्लूरल को दिखाता है पर चीज दूर होनी चाहिए। एक तरीके से दिस का प्लूरल दीज होता है
और दैट का प्लूरल दोज होता है. दिस और दीज पास के लिए आते हैं, दैट और दोज दूर के लिए आते हैं. दिस हमारा पास के लिए आता है, दैट दूर के लिए, दीज पास के लिए, दोज दूर के लिए. दीज प्लूरल होता है, दोज भी प्लूरल होता है, दिस और दैट सिंगुलर होते हैं. अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले तो कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ लो. सपोज एक इंसान तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे. अब मैं अपने लिए बात कर रही हूं, तो मेरे ज्यादा नजदीक ये है और दूर ये है, तो मैं इसको तो कहूंगी दिस और इसे मैं कहूंगी दैट. अगर अब ये दो दो लोग हो जाएं, तो मैं इन दोनों को तो कहूंगी दीज और इन दोनों को कहूंगी दोज. ये है कॉन्सेप्ट. जो आपके पास वो दिस और दीज, जो आपके दूर वो दैट और दोज. सिंगुलर है तो दिस दैट और प्लूरल है तो दीज और दोज. ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है. अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बन गया दिस बुक्स आर एक्सपेंसिव. आपके हिसाब से क्या गलती हो रही है, तो हमें दिस को दीज बनाना है. ये है साधारण सिंपल एरर. इसी को कॉम्प्लिकेट करेगा, मतलब सेम टाइप होगी लेकिन एरर को कॉम्प्लिकेट करेगा. कैसे, उसने लिख दिया द पेंस ऑफ दिस शॉप आर मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ दैट शॉप. सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के गलती बताने की कोशिश करो. द पेंस ऑफ दिस शॉप, इस दुकान के पेंस महंगे हैं उस दुकान की बजाय. इस दुकान के पेन उस दुकान की पेन की बजाय महंगे हैं. तो आपको ध्यान दो, इस दुकान के क्या हैं, पेंस. तो उस दुकान के भी तो क्या होंगे, पेंस. इस दुकान के पेंस की तुलना उस दुकान के पेंस से ही तो होगी ना. और जब पेंस प्लूरल है तो दैट थोड़ी लग सकता है. पेंस के लिए क्या लगना चाहिए, दोज, क्योंकि दैट तो सिंगुलर होता है और दोज इंग्लिश में प्लूरल होता है. जल्दी बताओ, था ना कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए ये एरर टफ है. इसीलिए ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है. उसने कहा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ दैट क्लास. सेंटेंस को समझो और कोशिश करो. बोथ द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, बोथ द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट बट दिस इज मोर इंटेलिजेंट देन दोज. कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इस क्लास के स्टूडेंट्स है ना, तो उस क्लास के भी कौन होने चाहिए, स्टूडेंट्स. अब नाउन को रिपीट ना करना पड़े इसीलिए तो प्रोनाउन आते हैं, तो दैट एक प्रोनाउन है, स्टूडेंट्स की जगह पे लगा हुआ है, पर स्टूडेंट्स तो प्लूरल हैं, तो दैट थोड़ी ना हो सकता है. दैट का भी क्या होगा, प्लूरल होगा. और दैट का प्लूरल कौन होता है, दोज होता है. दैट का प्लूरल कौन होता है, दोज होता है. अब नीचे वाला क्वेश्चन देखो,
ये कह रहा है दोनों लड़कियां इंटेलिजेंट हैं। सपोज दो लड़कियों की हम बात कर रहे हैं, दोनों लड़कियां, अब ये कोई दो लड़कियां बना दी भाई मैंने, ये क्या बोल रहा है दोनों लड़कियां इंटेलिजेंट है, दिख रहा है बोथ द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। अगले क्वेश्चन को, अगले सेंटेंस को फील करना, बट दिस इज इंटेलिजेंट देन, दो में से अगर आगे वाली दिस है तो पीछे वाली क्या होनी चाहिए, दैट होनी चाहिए, और मैं क्या लगा रही हूं दोज, तो सही आंसर क्या बनेगा, दैट बनेगा। टोटल दो ही तो लड़कियां हैं, बोथ का मतलब अभी तो बताया था दो होता है, बोथ का मतलब अभी बताया था ना दो होता है, तो टोटल दो ही लड़कियां हैं, आप दो में से एक को अगर दिस कह रहे हो तो दूसरी दैट हुई ना, और मैं क्या कह रही हूं दोज कह रही हूं। यहां पे अगर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो तो दोज आएगा ना, दैट थोड़ी ना हो सकता है, दीज भी नहीं हो सकता क्योंकि स्टूडेंट्स तो प्लूरल है और बाद वाला है, आगे वाली क्लास तो दिस हो गई, बाद वाली क्लास की बात हो रही है तो दोज हो गई, समझिए पहले वाला दिस बाद वाला दैट। मैंने कहा दीज शर्ट्स आर एक्सपेंसिव देन दैट शर्ट्स, करो ट्राई, तो हम समझ गए शर्ट्स दीज हैं, तो ये वाली शर्ट्स भी तो ये देन होना चाहिए, ये मेरी गलती है, बाकी ये वाली शर्ट्स भी तो प्लूरल हैं, तो दैट की जगह क्या होगा दोज होगा। रेसिप्रोकल हमने डिस्कस कर लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव हमने डिस्कस कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव और हमने डिस्कस कर लिया एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी पेपर में नहीं आता, जीरो तरीके से इसके एरर बनते हैं, इसलिए हमने ये भी कर लिया, तो चार टाइप्स हो गई, ठीक है, रेसिप्रोकल डन, डेमोन्स्ट्रेटिव डन, डिस्ट्रीब्यूटिव डन, एक्सक्लेमेटरी डन। अब हम पोजेसिव कर सकते हैं, एक बार इन टाइप्स से गो थ्रू हो जाओ, दिस वॉज रेसिप्रोकल, दिस वॉज डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस वॉज डेमोन्स्ट्रेटिव, अनदर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल एंड अनदर एग्जाम्पल एंड डन। पोजेसिव का मतलब है जहां पे हम किसी ना किसी तरीके से अधिकार दिखाने की बात कर रहे हो, इसके लिए पर्टिकुलरली कुछ वर्ड्स हैं जैसे माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, इन्हीं का प्रोनाउन फॉर्म माइन, आर्स, yours, his, hers, theirs, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में पोजेसिव के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें लेफ्ट वालों को हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स और राइट वालों को हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। लेफ्ट वाले क्या हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव, राइट वाले क्या है पोजेसिव प्रोनाउन, ये क्या है एडजेक्टिव्स और ये क्या है प्रोनाउंस। अब हमें ध्यान क्या करना है, एडजेक्टिव्स का यूज हमेशा नाउन के साथ होता है, यानी नाउन होगा तो ही इनमें से कुछ आएगा, अगर नाउन नहीं होगा तो ही तो प्रोनाउन आएंगे। प्रोनाउन का मतलब क्या है, नाउन की जगह पे, यानी नाउन नहीं होना चाहिए। एडजेक्टिव का मतलब क्या है, नाउन के लिए, यानी नाउन होना चाहिए। तो अगर इन वर्ड्स को यूज करो तो नाउन के साथ करना, नियम ये कह रहा है। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो किसके साथ आएंगे, नाउन के साथ, और ये सारे वर्ड्स किसके साथ आएंगे, बिना नाउन के। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जामिनर ने कहा आर इज अ ग्रेट कंट्री, आर इज अ ग्रेट कंट्री। अब आप ध्यान से देखो, ये जो इज है ना, ये नाउन तो पक्का नहीं है, नाउन तो किसी भी चीज का नाम होता है, इज नाउन तो पक्का नहीं है, यानी हमें नाउन नहीं दिया गया, हमें नाउन
नहीं दिया गया है। अब नाउन नहीं दिया गया तो प्रोनाउन होना चाहिए, जबकि आर लिख रखा है, आर क्या है, एडजेक्टिव होना चाहिए प्रोनाउन, तो एरर ये है कि आर की जगह आर्स होगा, आर की जगह आर्स होगा, समझे। हम एक और करते हैं, मैंने बोला दिस इज माइन क्लास, क्या गड़बड़ लग रही है, क्योंकि अब की बार हमें दिख रहा है क्लास है नाउन और नाउन से पहले आते हैं एडजेक्टिव, नाउन से पहले कौन आते हैं एडजेक्टिव, अब माइन कहां पे लिख रखा है प्रोनाउन वाली तरफ, होना क्या चाहिए एडजेक्टिव होना चाहिए, तो माइन का एडजेक्टिव फॉर्म हो गया माई, तो सही सेंटेंस हुआ दिस इज माई क्लास।